अस्सलाम वालेकुम किड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। इन दिस क्लास द बुक आई एम यूजिंग हियर इज कॉल्ड साइंस फॉर क्लास 7। सो लेट्स मूव ऑन टू कंटेंट्स एवरीवन। किड्स, राइट नाउ वी आर ऑन कंटेंट्स, और कंटेंट्स में आज जो यूनिट हम कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज यूनिट नंबर 6 वाटर, एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 43। सो लेट्स गो टू पेज नंबर 43 एवरीवन। किड्स, लास्ट टाइम वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाटर कैसे हासिल होता है और कौन कौन से जर्रा हैं इसके, और वाटर पॉल्यूशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू क्लीन वाटर। Water may have germs, dirt, salt and other things dissolved in it. All of these things must be removed before drinking the water. The process of removing impurities from water is called purification of water. We can use following methods to purify water. पानी के अंदर बहुत सारे germs, dirt और नमकियात शामिल होती हैं, तो इसीलिए हम पानी को फ़ौरन से पी नहीं सकते। तो पानी को क्लीन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनकी इम्प्योरिटीज दूर हो सकें और वो साफ़ हो सके, और तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो हम बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नंबर वन मेथड है बाय फिल्टरेशन। बाय फिल्टरेशन मतलब कि किसी पेपर के थ्रू गुजारा जाए, किसी फैब्रिक के थ्रू गुजारा जाए पानी को, ताकि फ़िल्टर हो जाए। लेबॉरेटरी वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय दिस मेथड ऑन स्मॉल स्केल। इम्प्योर वाटर इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन सॉल्युबल सॉल्ट्स आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, वेयर एज क्लियर वाटर इज ऑब्टेन्ड इन द बीकर। तो फिल्टरेशन में हम क्या करते हैं, हम जो है बीकर है, बीकर के ऊपर क्या करते हैं, हम फिल्टर पेपर रखते हैं, फ़िल्टर पेपर से पानी गुजारते हैं, तो क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होता है वो पेपर के ऊपर रह जाता है, और पानी जो है वो क्लीन हो जाता है। इस तरीके से हमें साफ पानी बीकर में मिल जाता है। टू रिमूव डिसॉल्व्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द वाटर, स्पेशल मेम्ब्रेन्स कैन बी यूज्ड। दीज मेम्ब्रेन्स हैव माइक्रोस्कोपिक पोर्स टू सेपरेट डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम द वाटर। अगर आपने जो हलशुदा सब्सटेंस है पानी के अंदर, जो कि आपका फ़िल्टर पेपर रोक नहीं पा रहा, पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं फ़िल्टर पेपर के बावजूद भी, उन को सब्सटेंस को दूर करने के लिए मेम्ब्रेन्स यूज़ की जाती है स्पेशल तरीके की। इन मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो कि डिसॉल्व सब्सटेंस को अलग कर देते हैं पानी के साथ। मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन्स झिल्ली होती है, झिल्ली नुमा चीज़ बनाई जाती है ताकि वो उसके बीकर पर लगाई जाए और पानी इसके अंदर से गुजारा जाए तो पानी क्लीन हो जाता है। By boiling is the fast safest way to purify water. पानी को boil करना, उबाल देना मतलब सबसे महफूज तरीका है पानी को clean करने का। In villages people can easily use this method to purify their drinking water. Bacteria, germs and other microorganisms present in the water are killed by boiling. इससे क्या होता है, bacteria, germs और जितने भी जरासीम पानी में मौजूद हैं वो boil होने से मर जाते हैं। Water for boil the water for 15 to 30 minutes. The water is cooled before drinking. पानी को 15 से 30 मिनट के लिए उबाला जाता है, इससे क्या होता है, पानी के अंदर मौजूद जरासीम मर जाते हैं और फिर पानी को ठंडा करके आप इजीली पी सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का। बाय क्लोरिनेशन मतलब जरासीम से पाक करने का अमल जो है उसे क्लोरिनेशन कहते हैं। इफ़ बॉइलिंग इज़ नॉट पॉसिबल वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच टू वाटर। अगर बॉइलिंग पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच जो है उसे पानी में शामिल कर सकते हैं। ब्लीच कंटेन्स क्लोरीन। For this purpose, place the water in the clean container. Add proper amount of bleach and chlorine to make it pure. हम क्या कर सकते हैं, पानी को क्लीन करने के लिए उसके अंदर क्लोरीन शामिल कर सकते हैं, ब्लीच शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से पानी ईजिली क्लीन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर में पानी डालते हैं और उसके मिकदार के हिसाब से उसके अंदर क्लोरीन या जो ब्लीच है वो ऐड करते हैं। इस तरीके से पानी प्योर हो जाता है। यूज़ ऑफ पोटाश एलम मतलब फिटकरी का इस्तेमाल। वी कैन ऐड पोटाश एलम टू द वाटर टू प्योरीफाई इट। आप पानी को क्लीन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए उसके अंदर पोटाश एलम डाल सकते हैं। सैंड, क्ले एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर विल सेटल डाउन। वाटर विल बी प्योर आफ्टर डिकेनिटेशन। यूज़ ऑफ पोटाश एलम में क्या होता है, फिटकरी में क्या होता है, पानी के अंदर फिटकरी डालते हो पिसी हुई, या फिर उसका जो पीस होता है उसे आप पानी के अंदर जब घुमाते हैं तो क्या होता है, पानी के अंदर जितनी भी मट्टी वगैरह होती है वो सारी नीचे बैठ जाती है पानी के, जो आपका बीकर है उसके तले में, और जो प्योर वाटर है वो ऊपर रह जाता है। तो इस तरीके से भी आप अपने पानी को क्लीन कर सकते हैं। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में क्या होता है, कतरा कतरा टपकाने का अमल, पानी को इस तरीके से प्योरीफाई किया जा रहा है। वी गेट क्लियर टैप वाटर बट इट इज़ नॉट प्योर। हमको क्लियर टैप वाटर मिलता है लेकिन ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता या प्योर नहीं होता। इट मे कंटेन सम सॉल्ट्स एंड बैक्टीरियाज इन इट। इसमें कुछ सॉल्ट्स और बैक्टीरियाज वगैरह शामिल होते हैं। वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। हम पानी को प्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सिंपल डिस्टिलेशन द वाटर इज़ हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, देन स्टीम इज़ कूल डाउन इनटू डिस्टिल्ड वाटर। इस डिस्टिलेशन किस तरह से होती है, प्रोसेस क्या होता है इसका,
पानी को हीटअप किया जाता है, पानी को बॉयल किया जाता है, तो उससे क्या होता है, स्टीम बनती है, मतलब भाप बनती है, और भाप जो है फिर वो कतरा कतरा गिरकर दूसरे कंटेनर में शामिल होती जाती है, तो उससे क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर आपको इस तरह शामिल मिल सकता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, लेकिन ये भी एक तरीका है आपके पानी को प्योर करने का। इम्प्योर वाटर इज़ बॉयल्ड इन अ क्लोज कंटेनर फ्लास्क। इम्प्योर वाटर को क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी फ्लास्क में बॉयल करते हैं। वाटर वेपोर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉयलिंग वाटर पास थ्रू अ पाइप इन टू अ वेसल कॉल्ड कंडेंसर। फिर क्या होता है, जो पानी जो भाप बनता है वो सरफेस से, जो बॉयलिंग वाटर है उसकी सरफेस से जो भाप बन के पानी उड़ा है वो किसके थ्रू पास करेगा, पाइप के थ्रू वेसल में पास करेगा, जिसको हम कंडेंसर कहते हैं। द कंडेंसर इज़ अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ लार्ज ट्यूब थ्रू विच कोल्ड वाटर इज़ पास टू कूल द वाटर वेपर। कंडेंसर क्या है, एक ट्यूब की तरह है जो कि सराउंडेड एक लार्ज ट्यूब से सराउंड की गई होती है, जिसमें जब पानी जाता है वेपोर होके भाप बन के, तो ठंडा होने के लिए इसमें हेल्प करता है। एज द वाटर वेपोर पास थ्रू द कंडेंसर दे लूज हीट एंड बिकम लिक्विड वाटर। जैसे वाटर वेपोर जो होता है, भाप बन के जो पानी उड़ रहा है वो कंडेंसर के थ्रू गुजरता है, तो क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है। दिस डिस्टिल्ड वाटर इज कलेक्टेड इन सेपरेट कंटेनर बीकर, सॉलिड इम्प्योरिटीज रिमेन एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। ये जो डिस्टिल्ड वाटर है फिर एक अलग से कंटेनर में जमा कर लिया जाता है, और जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है, मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि भाप के थ्रू या फिर हीट के थ्रू नहीं ख़त्म हो सकती, वो पानी के जो फ्लास्क है उसके नीचे रह जाती हैं। ये जो नीचे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इस प्रोसेस में दिखाया जा रहा है, ये देखें यहाँ पर पानी क्या हो रहा है, हीटअप हो रहा है, लेकिन पानी जो बीकर है आपका, बीकर से इसे कनेक्ट किया हुआ है, और जो बॉटल है आपकी इसको क्या किया हुआ है, बंद किया है ऊपर से, तो पानी जो है वो हीटअप हो रहा है। हीटअप होने के बाद जैसे ही भाप बनता है तो वो इस ट्यूब में शामिल होता है जो कि कंडेंसर कहला रहा है। ट्यूब में शामिल होकर यहाँ पर उसके बनाए हुए एरिया जहाँ से वाटर आउट होता है, ठीक है, उसके बाद कंडेंसर में क्या होता है, फिर अडॉप्टर में, बीकर में जाके सारा पानी कलेक्ट होता है। अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, अभी हमने टॉपिक पढ़ा कि पानी को कैसे क्लीन किया जाता है, अब हम पढ़ेंगे पानी के इस्तेमाल के बारे में। इन होम्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ यूज्ड इन आवर होम्स। वी यूज़ वाटर इन वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रशिंग द टीथ, फ्लशिंग द टॉयलेट, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। पीपल यूज़ मोस्ट ऑफ द वाटर इन देयर किचन एंड बाथरूम। अब यहाँ पर कितने सारे इस्तेमाल हैं, वो डेली के इस्तेमाल जो हम अपने घर में कर रहे होते हैं। किड्स, आप भी अपने घरों में पानी का इस्तेमाल करते होंगे, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, हाउस क्लीनिंग के लिए, किचन में खाना पकाने के लिए, हर चीज़ के लिए हम पानी यूज़ कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, और फार्मर्स यूज 88% ऑफ द फ्रेश वाटर टू ग्रो द फील्ड्स एंड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। कि क्या करते हैं हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे किसान 88% जो हमारा फ्रेश वाटर है हमारे मुल्क में, उसे इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल्स और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। पीपल यूज़ वाटर फॉर वाटर स्पोर्ट्स सच एज स्विमिंग, फिशिंग, सेलिंग, ETC। वी कैन इंजॉय आवर वाटर स्पोर्ट इन वाटर पार्क्स। लोग वाटर को स्पोर्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्विमिंग के लिए, फिशिंग के लिए, सेलिंग मतलब कश्ती रानी करना, इस बहुत सारे ऐसे कामों के लिए। और स्पोर्ट्स जो है, वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पर होती है, वाटर पार्क्स में इंजॉय कर रहे होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब पानी को कैसे हम लोग की बचत कर सकते हैं, पानी को कैसे जो है उसे कंजर्व कर सकते हैं। देयर इज़ ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, सो वी मस्ट सेव इट। हमारी ज़मीन पर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट का जो फ्रेश वाटर है वो मौजूद है। पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन वो सारा सॉल्टी और ओशन वाटर है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी के एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और इसे सेव करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे इकदाम जिससे पानी की बचत हो, टर्न ऑफ द टैप व्हेन यू ब्रश योर टीथ और टेक वाटर इन अ टम्बलर। आप जो है नल का बंद कर सकते हैं जब आप दांत ब्रश कर रहे हैं, या फिर आप पानी किसी बर्तन में ले सकते हैं। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ बाउल, डोंट वॉश डिशेज अंडर रनिंग वाटर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप एक बाउल में धो सकते हैं, और बर्तनों को या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप कभी भी बहते हुए पानी के दरमियान में मत धोइए। मतलब जैसे हम नल का खोल देते हैं और उसके नीचे बर्तन धोते चले जाते हैं, तो ऐसा कभी मत करिए। ओनली यूज़ वॉशिंग मशीन विद अ फुल लोड। सिर्फ वॉशिंग मशीन को आप फुल लोड के तौर पर इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप पानी नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ लॉन, वाटर इट अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द आफ्टरनून। अगर आपके पास लॉन है, मतलब आपके गार्डन बना हुआ है घर के आगे, तो आप उसे सुबह के वक्त पानी दें, या फिर अच्छा दोपहर से के बाद जो थोड़ा वक्त होता है, लेट आफ्टरनून जो होती है तब दें। चेक रेगुलरली द लीक्स इन वाटर पाइप्स एंड गेट देम रिपेयर्ड इमीडिएटली। रेगुलरली चेक करें, वाटर लीक अगर आपके पाइप में मौजूद हैं तो उन्हें आप रेगुलर बेसिस पर ठीक करवाएं। पेपर मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स शुड कंजर्व वाटर बाय रिड्यूसिंग वाटर यूज, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर एंड रीयूजिंग वाटर। ये जो
सनत होती है हमारी, जहाँ पर हैवी मशीनरी वगैरह के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर उनका गुजारा नहीं है, तो उन्हें क्या चाहिए कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, पानी को रिसाइकिल करें अगर कर सकते हैं तो, और उसे रीयूज़ करते रहें। ये था हमारा यूनिट वाटर के बारे में। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम आए हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ सबसे पहले है फिल द ब्लैंक्स। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। लार्ज शीट्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। हार्मफुल एंड अनवॉन्टेड सब्सटेंस इन वाटर आर पॉल्यूटेंट्स। टॉक्सिक गैसेज इन द एयर रिएक्ट विद रेन वाटर टू मेक एसिड रेन। इन द सर्कल ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। जो बेस्ट ऑप्शन है मतलब जो सही ऑप्शन है, उसके सर्कल को आपने इस तरीके से जो है वो फिल करना है, ठीक है। आप टिक भी कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज कैन बी कंटेमिनेटेड बाय नेचुरल मटीरियल्स। कुदरती चीज़ों से ख़राब हो सकता है पानी। रन ऑफ फ्रॉम फील्ड्स एंड रोड्स। रोड्स और फील्ड्स को रन ऑफ करता हुआ आ रहा है, चलते उससे बहता हुआ आ रहा है, इस वजह से गंदा होता है। फॉरेस्ट की वजह से गंदा होता है या माउंटेंस की वजह से, तो पानी गंदा होता है। रन ऑफ फ्रॉम फील्ड्स एंड रोड्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज सप्लाई इन फ्रेश वाटर। कितनी परसेंटेज जो है वो अर्थ वाटर की फ्रेश वाटर है। 3% सिर्फ फ्रेश वाटर है अर्थ जितना मौजूद है। वी कैन गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बाय बॉयलिंग, बाय डिस्टिलेशन, या फ्रॉम ट्यूबवेल्स या फ्रॉम रिवर्स। हम सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कैसे हासिल करते हैं? बॉयलिंग के जरिए। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ज़्यादा पानी किस लिए यूज़ करते हैं? कूलिंग के लिए, फ्रीजिंग के लिए, वॉशिंग के लिए या वेस्टिंग के लिए? तो वो करते हैं कूलिंग के लिए। विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर एंड रेन वाटर। विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? इनमें से कौन सी सोर्स वाटर पोल्यूशन की नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक ज़रिया वाटर पोल्यूशन का नहीं बनता? तो ये तीनों ज़रा बनते हैं, तो रेन वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, इसलिए हम रेन वाटर को टिक करेंगे। बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें आपको जो कुछ समझ ना आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।